सायरा और उसकी माँ घर पर नहीं है, उनके घर ताला लगा हुआ है। सारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि अन्नो को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो शहरयार, उसको क्या हुआ? क्या कह सकते हैं क्या हुआ, जाहिर है कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, जो उन जालिमों ने ये हाल कर दिया उसका। डॉक्टर भी कोई उम्मीद नहीं दिला रहे, जाहिर है खून इतना बह चुका है। याला, मेरे भाई को जिंदगी दे दे। याला, सारी रात जाकर दुआएं मांगती रही। किसका फोन था? उस होटल के मालिक। तो बात क्यों नहीं की तुमने? बता दी कि उस जलील दोस्त ने क्या हरकत की? आपा, जब मैंने वहां जाना ही नहीं है, बात करने का फायदा? या अल्लाह, मेरे भाई को जिंदगी दे दे, मेरे भाई को जिंदगी दे दे या अल्लाह। डॉक्टर साहब, कैसे मेरा भाई? उसकी हालत तो अच्छी है ना? खुदा का शुक्र अदा करें, उसकी जिंदगी बच गई है। इसकी उम्मीद बहुत कम थी। अब कैसा है वो? खतरे से बाहर है, इंशाल्लाह रिकवरी में कुछ वक्त लगेगा मगर वो ठीक हो जाए। किसी से दुश्मनी थी आपकी? किसने ऐसी हालत की इसकी? हम उसे मिल सकते? नहीं, अभी आप उसे नहीं मिल सकते। शाम तक हम उनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे, तब आप उनसे मिल सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा एहसान है हम पे। मेरे भाई की हालत अच्छी हो गई। हिम्मत, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने तेरा सुहाग बचा लिया। हिम्मत, अल्लाह ने तेरा सुहाग बचा लिया। आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं अब जरा घर चलूंगी, मुझे काम है कुछ। हाँ, मैं यही शहरयार के पास रुकती हूँ, तू जा। तुम्हारी अम्मी के लिए मंगवाई है ना, कपड़ों का काम शुरू करना है। ये अम्मा के लिए आप लेके आई हैं? ये तो बहुत महंगी होगी ना। ज़हरा आपा नहीं आई अभी तक? नहीं, लेकिन उनका फोन आया था। वो बता रही थी कि मामू की तबीयत अब काफी बेहतर है और वो हमारे बारे में भी पूछ रहे थे। अब सल्लू अस्पताल जाएगा तो अम्मा वापिस आएंगी। जाहिर सी बात है, कोई अस्पताल में होगा तो अम्मा आ सकेंगी ना। नहीं, और नहीं चाहिए। ये पियोगे नहीं तो जल्दी ठीक कैसे हो? थोड़ा सा और ले लो प्लीज। क्यों ठीक होना चाहिए मुझे? अब ठीक नहीं होना चाहिए मुझे। लालची, खुदगर्ज़ और बेहस इंसान को तो जिंदा ही नहीं बचना चाहिए था। इसका फैसला करना तुम्हारा नहीं, अल्लाह का काम है कि किसको जिंदा रहना और किसको नहीं। तुमने तो बहुत बददुआएं दी होंगी मुझे, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम मुझे माफ कर सकती हो? किस बात के लिए? हाँ, ठीक कह रही हो तुम। किस किस बात के लिए माफ करोगी तुम मुझे?
मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया है क्या? इस बारे में कम सोचोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत खुशी की खबर, आप सुनेंगी तो आपको यकीन नहीं आएगा। क्या वाकई हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसी खुशी की खबर है? नहीं नहीं नहीं, मैं अल्लाह की बहुत नाशुक्री कर रही हूँ, मेरे रब ने मुझे बहुत सी ऐसी खबरों से नवाजा है। तुम क्या कह रही थी? ये कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर है, अब 6 महीने तक बैंक हमसे हमारा घर खाली नहीं करवा सकता। और 6 महीने तक मेरा ख्याल से आपा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ कोशिश की है, और चूंकि नियत और इरादा सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करने का था, इसलिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करता गया। वरना यकीन करें, मैंने कभी भी अपने अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कुछ करके मुझे बहुत खुशी मिली है, बहुत अच्छा लगा है। सब कुछ ठीक हो गया आपा, और ये सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। हैरी, ठीक है ना? शुक्र है मेरा भाई ठीक होकर घर आ गया। चलो उधर से पकड़, आराम से आराम से। अच्छा, अब तो तू ठीक है ना? शुक्र है, आराम से सल्लू, आराम से। ध्यान से देख, आहिस्ता, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और कुछ चाहिए? क्या देख रहे हो? जानती हूँ, मैंने ऐसे मंजर की तमन्ना तो की थी, मगर इस तरह नहीं। तुम्हारे जहन में हमारा आलीशान बंगला होगा, है ना? तो तुम मेरी सोच यहाँ तक पढ़ने लगी? इससे भी बहुत आगे तक। यानी? यानी है कि तो मेरे बहुत थैंकफुल हो जाओगे, हो सकता है मुस्तकबिल में बहुत अच्छे भी बन जाओ। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा तुम्हारे लिए। वजह तुम खुद बहुत अच्छी तरह जानते हो शहरयार। कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता। ऐसी बात नहीं है,
मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत मेहनत की। बचपन में अखबार बेचने से लेकर टायरों में पंक्चर लगाने तक और उसके बाद वर्कशॉप में काम के अलावा तकरीबन हर वो छोटा मोटा काम किया है जिसके लिए हमारे इस माशरे में उज्जत के साथ साथ जिल्लत भी मिलती है। हमारे माशरे की वजह से यहाँ पे छोटे से छोटे काम के लिए जिल्लत बतौर इजाफी उजरत के गिफ्ट की जाती है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि शॉर्टकट से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा? मैंने इतनी मेहनत की लेकिन नतीजा सिर्फ इतनी उजरत कि मैं चंद किताबें और सेकेंड हैंड चीजें भी बमुश्किल खरीद पाया। मुझे लगा कि मेहनत का कुछ हासिल नहीं है, कुछ भी नहीं, कम से कम एक पूरा साहिश जिंदगी हर किस नहीं। अब मुझे यकीन हो गया कि जब तक मैं किसी पैदाइशी अमीर का सहारा नहीं लूंगा तब मैं अपनी जिंदगी पता नहीं पाऊंगा। मैं एतराफ करता हूं कि मैं गलत था, मेरी सोच भी गलत थी। आराम करो शेर, तुमने माफ कर दिया मुझे। तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है। तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूं, आंखें बंद करो और सो जाओ। ये क्या आपा? हमीद भाई एडवांस की रकम देकर गए हैं। अभी मैं जाकर कपड़े ले आऊंगी, फिर तुम मेरे साथ चलना। वो जोहरा और हमीदा है ना, वो पहले की तरह सिलाई करेंगी, बस तुम उनको डिजाइन बता दिया करना। ठीक है आपा, थोड़ी देर तक चलते हैं। एक डिजाइनर है मेरा दोस्त, उससे भी मिलने जाना है। मेरे ख्याल से इस रकम से हमारा बहुत सा काम हो जाएगा। सब शायद इसी तरह ही होना। मैं अभी भी नहीं समझी, जिस तरह अनवर ने अपनी बहन और अपनी दौलत के जरिए तुम्हें शीशे में उतारा और कैसे तुम वापस आए जख्मी हालत में, मैं उस खौफनाक रात को कभी भुला नहीं पाई। भले हम दोनों बहन भाई में रवायती मोहब्बत नहीं थी, मगर फिर भी उस रात के बाद अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मरी जाती। मुझे शायद किसी खुफिया जेल में सड़ा होता। मुझे एक आध बार यूं ही अनवर पर शक हुआ कि वो मुझे एक बैग क्यों दे रहा है।
पुलिस में कुछ ऐसा वैसा हुआ तो तुमने बैग खोल कर देख लेना था। नहीं आपा, उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, चंद घंटों की बात और मैं दुबई पहुंच जाऊंगा। एक अच्छी और बासहूलत जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है, और अनवर जैसा मेहरबान कौन मिलेगा मुझे। मैं इस गलत फहमी में था आपा, अनवर मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि मेरी शादी उसकी बहन से होने वाली थी। लेकिन अगर तुम बैग समेत पुलिस के हत्थे चढ़ जाते तो तुम्हारी कौन सुनता। बाकी कसम आपा, जब मैं भी इस बारे में सोचता हूँ तो काम जाता हूँ। अगर वाकई पुलिस मुझे इस बैग के साथ पकड़ लेती तो मैं तो ना बचता। अपनी तरफ से तो वो तुम्हें मारकर फेंक ही गए थे, वो तो अल्लाह ने दूसरी जिंदगी लिखी थी तुम्हारी। अल्लाह पाक को मेरी कोई नेकी पसंद आ गई हो। आपा, मैं तो कभी कोई नेकी भी नहीं की। ऐसे नहीं कहते, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, तुम्हें एहसास नहीं है इस बात का। बहुत से ऐसे मौकों पर तुमने मेरी मदद की जब मैं अपने बच्चों के साथ चार चार वक्त के फाके से होती थी। जिस तरह हम अपने गुनाहों को याद नहीं रखते, इसी तरह हम अपनी नेकियों को शुमार नहीं कर सकते।